ऐसे लोगों को सम्मान दे, या तो 10 तारीख 15 तारीख तक इन बिलों को वापस ले ले। यहाँ से हजारों किसान प्रधानमंत्री आवास का ग्राहक जाएंगे और उनसे जय जवान जय किसान। देश का किसान इतना मजबूत है कि उसे कोई बैरिकेडिंग नहीं रोक सकती, कोई ताकत नहीं रोक सकती। और हम दिल्ली जाकर रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी कुर्बानी देनी पड़े। जब हमारा देश का किसान 170 से ज्यादा शहादत हो चुकी है, अपने प्राण गंवा चुके हैं, 50 किसान हमारे 26 जनवरी को घायल किए गए थे, जो सुनियोजित बनावटी घटना बनाकर देश के किसानों पर कलंक लगाया गया था, तब उस कलंक को मिटाने के लिए हमें हर कीमत पर दिल्ली जाना होगा। तभी हम ये लड़ाई जीतेंगे। जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक लड़ाई जारी रहेगी। दिल्ली जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, हम सरकार को 15 तारीख तक का समय देते हैं। 15 तारीख तक सरकार अपने कानून वापस ले ले, 17 तारीख को हम दिल्ली कूच करेंगे। कितने लोगों के साथ? हजारों किसानों के साथ दिल्ली जाएंगे, हजारों किसानों के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे जोश के साथ। और हम दिल्ली पर जाकर रहेंगे और अपनी बात मनवा कर ही लौटेंगे। सरकार तो वहां जाने के लिए मना कर रही है, फिर आप सरकार अगर मना कर रही है तो बिल वापिस ले। सरकार का हम हर आदेश का अवहेलना करेंगे, सरकार की किसी बातों को नहीं मानेंगे। जब देश की सरकार हमें किसान मानने को तैयार नहीं है, जब देश के प्रधानमंत्री हमें देश का अन्नदाता मानने को तैयार नहीं है, तो हम उन्हें देश का सरकार मान सरकार का कोई आदेश नहीं मानेंगे। जिस तरीके से गांधी जी ने अवहेलना कानून चलाया था, उसी प्रकार से हम अवहेलना चलाएंगे। कुलदीप पांडे, कोई बीच का रास्ता निकल सकता है इसमें? सरकार को क्या बीच का रास्ता निकलेगा? सरकार ने सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। कानून वापसी और MSP पे गारंटी चाहिए, इसी के तहत अब दिल्ली में हम बैठे हैं। उन किसानों को जो शहादत हुए हैं, उनके परिवार को हम क्या जवाब देंगे अगर हम बिना वापस किए बिल वापस आते हैं? सरकार अगर MSP की गारंटी दे दो तो ये आंदोलन वापस कर सकते हैं? देखिए, सरकार अगर MSP की गारंटी देती है और 3 बिल से पीछे हमारी कोई बात नहीं बनेगी, ये जिम्मेदारी देश के किसान की। आज कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से लेके कासगंज की धरती से इस आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। भाजपा इस आंदोलन को जाट बनाम हिंदू करना चाहती थी, भाजपा इसको और तरीके से मोड़ना चाहती थी, लेकिन आज की इस पंचायत ने संकेत दे दिया।